आंसर बन गया डी। नेक्स्ट सुकेश के बाद क्वेश्चन नंबर 25। 25 में क्या कहता है भाई, 25 में कहता है ऑन 1st अप्रैल द बैलेंस ऑन द परचेज अकाउंट वॉज 7200। सही है। ड्यूरिंग अप्रैल द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन टुक प्लेस। ड्यूरिंग अप्रैल फॉलोइंग ट्रांजेक्शन टुक प्लेस, देखें जरा क्या कह रहे हैं भाई। व्हाट वॉज द बैलेंस ऑन द परचेज अकाउंट, हमें परचेज का बैलेंस बनाना है। इसके दो तरीके हैं, या तो उसको डायरेक्टली कर लें या परचेज का एक टी अकाउंट बना लें। परचेज का टी अकाउंट बना लें तो फिर ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग हो जाए। बताओ भाई 1st अप्रैल में बैलेंस बीडी कितना आ रहा है परचेज अकाउंट में। बैलेंस बीडी आ रहा है 7200। इसका मतलब मंथ एंड पे इतनी परचेजेस थी हमारे पास। और कैश परचेज, बताओ जब कैश पे माल खरीदेंगे क्या एंट्री बनाएंगे, परचेज डेबिट और कैश क्रेडिट। तो परचेज अकाउंट डेबिट हो जाएगा, रेफरेंस में कैश। तो क्रेडिट परचेज मतलब उधार पे माल खरीदा उससे भी परचेज बढ़ जाएगी, परचेज डेबिट। और लायबिलिटी का अकाउंट क्रेडिट, भाई चाहे कैश पे माल खरीदें चाहे उधार पे खरीदें, परचेज तो हो रही है ना। गुड्स टेकन बाय ओनर फॉर ओन यूज, जब भी ओनर अपने घर के इस्तेमाल के लिए कोई गुड्स ले जाएगा, एग्जांपल आपकी मोबाइल शॉप है और आपने एक मोबाइल फ़ोन आईफोन एक्स ले लिया है घर के यूज़ के लिए, तो ये कहलाएगी ड्रॉइंग ऑफ गुड्स। क्या एंट्री बनाएंगे, ड्रॉइंग डेबिट और परचेज अकाउंट क्रेडिट। यार अब जब हम कैश निकालते हैं बिजनेस में से तो ड्रॉइंग डेबिट कैश क्रेडिट, अगर चेक से पैसे निकालते हैं ड्रॉइंग डेबिट बैंक क्रेडिट, और अगर गुड्स निकालेंगे तो ड्रॉइंग डेबिट और परचेज क्रेडिट। अब क्या करें भाई, ये ओपनिंग था हमारे पास परचेज, ये दोनों ऐड कर लें और इसमें से माइनस कर लें। तो आंसर आ रहा है गैस आपका सी, चेक कर लें जी भाई, सी आ रहा है आंसर 13150। तो ये लिख दें भाई आपका 13150 सी।